इधर कांग्रेस ने कहा है कि कर्नाटक में जेडीएस के बीच सरकार गठन के फॉर्मूले पर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से कर्नाटक के सियासी समीकरण पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, जिस तरीके से कर्नाटक में जो सरकार बनाने की कवायद है, फ्लोट टेस्ट पर ज्यादा जोर दे रही है कांग्रेस जेडीएस, क्या डर है आपको बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है अभी भी? नहीं, डर की बात नहीं है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड आपने भी देखा है, गोवा में देखा, मेघालय में देखा, उत्तराखंड में देखा, अरुणाचल में देखा, हर जगह इनका आपने देखा कि इनको लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं रखते, भरोसा ही नहीं है इनको लोकतंत्र पे, और ये लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को पे हमला रोज बोलते चले आ रहे हैं। तो डर की कोई बात नहीं है, हमारे विधायक और हम बिल्कुल मजबूती से इनका सामना हमेशा करने को तैयार हैं। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता है सरकार बनाने से पहले जेडीएस कांग्रेस के बीच ये जो खींचतान है, एक स्थायी सरकार दे पाएगी? बड़ा सवाल है। कतई कोई खींचतान नहीं है और स्थायी सरकार मिलेगी, स्थायी सरकार मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने विधायकों को जनता के बीच तो जाने दीजिए। वो कौन होते हैं ये पूछने वाले? कह रहे हैं कि भाई आप अपने घर में ताला मत लगाइए ताकि मैं कब्जा कर सकूं। ये बड़ी अच्छी मानसिकता इन्होंने अपना परिचय दिया। धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कर्नाटक का चुनावी रण और जिस तरीके से इसमें सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई है जेडीएस और कांग्रेस के बीच, तो वहीं फ्लोर टेस्ट पर जोर दे रही हैं दोनों ही पार्टियां। पहले वो अपने घर को दुरुस्त करना चाहती है, फ्लोर टेस्ट के बाद ही पत्ते खोलना चाहती है, पूरी सरकार उसके बाद सामने आएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।